Assalamualaikum, hello everyone, welcome to me programmer. So guys, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम एंड्रॉइड टोस्ट के बारे में कंप्लीट समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिकली टोस्ट होता क्या है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करें तो उसमें मस्ट क्या होता है कि आपने टोस्ट का इस्तेमाल करना होता है। बेसिकली जब स्मॉल टाइम के लिए जो आपके मैसेज शो होता है ओके, उसको बेसिकली हम टोस्ट कहते हैं। ओके, टोस्ट बनाते किस तरह है, किस तरह कोई एक सिंपल बिगिनर जो बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता, अभी एंड्रॉइड सीख रहा है, तो उसको किस तरह एक टोस्ट बनाना चाहिए, और मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लेके चलूंगा। ओके गाइस, बेसिक ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी एंड्रॉइड की हैं आप तक आ सके। अगर अदरवाइज आप यहां पे टॉप पे आई का बटन होगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट को असेस कर सकते हैं, अदरवाइज एट द एंड आप असेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सिंपल आप मैं यहां पर सर्च करता हूं ओके एंड्रॉइड स्टूडियो ओके, और मैं यहां पर सिंपल ओपन हो रहा है ओके। अगर गाइज आपको स्टार्टिंग क्रिएट नहीं करना आता कि प्रोजेक्ट बेसिकली किस तरह क्रिएट करते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जो मैंने क्रिएट करना प्रोजेक्ट बताया था ओके, तो इससे आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। अभी मैं इसे जस्ट आपका टाइम सेव करता हूं और डायरेक्ट मैं आता हूं मेन पेज पर, जब हम प्रोजेक्ट एक न्यू क्रिएट करके आएंगे। ओके गाइज, तो मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया और ये बैक एंड पे बिल्ड हो रहा है, और जस्ट आपको यहाँ पे टिप्स देगा, तो टिप्स आपने जस्ट क्लोज कर देनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी लोडिंग चल रहा है, तो मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और लोडिंग होने देता हूँ। ओके गाइज, तो ये सिंपल हमारे पास क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अब मैं आपको जस्ट एक स्मॉल सी एग्जांपल दिखाता हूँ ओके, यहाँ पे मैं आपको ये आपको एक एप्लीकेशन है ओके, जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ मोबाइल के अंदर, तो ये आपको इस तरह के कुछ बटन आ रहे हैं ओके। जैसे ही मैं प्रेस फॉर मैजिक वन पे एक फ्लैट पोज बटन है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो ये आता है कि नथिंग बट इस तरह का मैसेज आता है ओके। इसी तरह मैं अगर प्रेस टू करता हूँ तो यू आर जीनियस का मैसेज आता है, एंड इसी तरह प्रेस थ्री करता हूँ तो कीप स्माइलिंग। तो ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्या हो रहा है कि ये मैसेज टोस्ट शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट एक जगह ही बिलो टोस्ट हमारे पास शो हो इस तरह का स्मॉल लेवल पे मैसेज, आप ये देख सकते हैं कि ये आपको कुछ टाइम के लिए इस तरह का मैसेज शो करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको यूजर को कुछ मैसेज कुछ इंफॉर्मेशन शो करवानी है। सिंपल मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ कि यूजर को कुछ स्मॉल टाइम के लिए आप इंफॉर्मेशन जब शो करवाते हैं तब आप टोस्ट का यूज़ करते हैं। आपने भी एप्लीकेशन पे देखा होगा कि किस तरह टोस्ट यूज़ होता है ओके, इस तरह का स्मॉल लेवल पे बिल्कुल स्मॉल टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास टोस्ट शो होता है ओके। तो मैं बगैर टाइम ज़्यादा किए मैं जस्ट आता हूँ और यहाँ पर डिज़ाइनिंग करता हूँ ओके। मुझे उम्मीद है कि आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे ओके, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ कि डिज़ाइनिंग ओके फास्ट करता हूँ ओके, और आपने जस्ट क्या करना है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जो जावा की जो फाइल है उस पर हम आके वर्क करेंगे ओके गाइस। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ, तो आप मेरे फास्ट वीडियो को देखिए। ओके गाइज, तो अभी तक हमने क्या किया, जस्ट डिज़ाइन बना लिया। अगर आपको मैं ये बताऊं तो ये हमने एक डिज़ाइन कंप्लीट बना लिया ओके। मैं अब जस्ट डिज़ाइन को क्या करता हूँ, रन करता हूँ ओके, तो रन करके हम देखते हैं ये क्या शो हो रहा है ओके। तो आपने एप्लीकेशन का नेम तो आपको पता होगा कि बेसिकली एप्लीकेशन का नेम क्या है ओके, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि ये अब हमारे पास ये ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है ओके, तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये आपको नीचे अगर शो हो रहा हो तो ओके। तो ये अब क्या हुआ है कि लॉन्च एक्टिविटी हो गया, तो ये आप जस्ट देख सकते हैं कि आप जस्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये शो नहीं हो रहा ओके, तो ये बहुत नीचे चला गया है। तो मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ ओके, इसको कुछ ऊपर लेके आता हूँ ताकि नीचे वाला भी बटन हमारे शो हो ओके। तो ये इस तरह ओके, तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये हमने क्या किया कि ये हमने एक आउटपुट बनाई ओके, ये जस्ट डिज़ाइन किया। अभी मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी जावा पे, हमने यहाँ पर बेसिकली आके काम करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बटन्स को हैंडल करना है, तो बटन्स मतलब कि अगर XML से हमेशा जो भी चीज़ आती है जावा की तरफ तो वो ID से आती है ओके। तो मैं क्या करूँगा कि ID के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूंगा ओके, तो बटन जैसे टाइप होती है डेटा टाइप, इस तरह एक बटन है कि मैं बटन को करूँगा, और मैं इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले बटन वन लिखूंगा, फिर बटन टू लिखूंगा ओके, यहाँ पे बटन टू होगा, फिर सिमिलरली बटन थ्री ओके। तो ये मैं क्या करूँगा, तीन बटन लूंगा, तो इसके लिए मैं जावा के अंदर ये किस्म के वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ ओके। अब मैंने क्या करना है कि इन जो बटन है ओके, अब इसकी मैंने ID लेनी है कहाँ से, XML के अंदर से, तो उसका एक फंक्शन होता है ओके। मैंने बटन के अंदर सेव करवानी है, बटन वन के अंदर ओके, तो उसके लिए जो हमारे पास एक
फार्मूला होता है, एक फंक्शन होता है, वो फाइंड व्यू बाय आईडी होता है। उसमें हम आर डॉट आईडी डालेंगे एंड डॉट यहाँ पे मैं डालूंगा बटन, बटन यहाँ पे वन, तो ये जस्ट बटन वन पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये हमने क्या किया कि ये XML के अंदर से बटन उठा के हमने जो बटन वन हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, जावा के अंदर हमने उसके अंदर डाल दिया। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और अदरवाइज आप यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकते हैं अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है तो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जस्ट बी टी एन लिख लेता हूँ, या आप बी एन लिख सकते हैं, बी एन वन, बी एन टू, या आप इस तरह भी कर सकते हो। तो मैं जस्ट ये करता हूँ। तो ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप बाउंड नहीं है कि आपने आईडी क्या लेनी है। तो मैं इस तरह क्या करता हूँ कि थर्ड वन मैंने तीन जो आईडीज हैं वो लेनी है XML से, तो इसी तरह सेकेंड वन एंड थर्ड वन मैं यहाँ पे अब जस्ट B2 कर दूंगा। एंड इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करूँगा के बटन टू कर दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे B3 करूंगा। और यहाँ पर बटन थ्री हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब जस्ट क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो देन हमारे पास टोस शो हो। तो इसके लिए मैंने आपको एक बताया भी था कि हम एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो वो एक कंप्लीट लिसन करे। तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे BTN नहीं है, BN1 है। तो ये मैं एरर कर रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर ये आपको शो हो रहा होगा। और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले न्यू लिखना है। एंड देन फिर आपने व्यू लिखना है। तो यहां पर कैपिटल व्यू आएगा और वी आएगा, तो ये आप इस तरह लिखेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही बटन क्लिक होगा, तो वो सेट ऑन क्लिक लिस्टर हमने एक फंक्शन लगाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि हम जस्ट टोस्ट शो करवा देंगे। टोस्ट तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन टोस्ट का जो डिटेल मैंने इस वीडियो में बताना है। तो टोस्ट के लिए सबसे पहले आपने क्या होता है कि आपने टोस्ट का एक क्रिएट करना होता है। यहाँ पर आपने क्रिएट करना होता है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे आप लिखते हैं टोस्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि आप टू टाइप से टोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि टोस्ट डिफरेंट जगह पे शो हो, तो देन हमारे पास जो टोस्ट शो होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि आपने जस्ट टोस्ट लिखना है, फिर आपने उसकी वेरिएबल लिखना है, फिर इज इक्वल टू लिखना है, फिर आपने देन क्या लिखना है, टोस्ट, और यहाँ पे मेक टेस्ट, मेक टेस्ट लिखेंगे, और इसके अंदर आपने क्या चीज लिखनी है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। आप जिस भी एक्टिविटी के अंदर शो करवाना चाहते हैं टोस्ट, तो आपने जस्ट क्या लिखना है कि गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो अभी हमारे पास एप्लीकेशन है, उसका आपने कॉन्टेक्स्ट लेना है। तो ये आपने लिखा। अब इसके आगे आपने क्या लिख देना है, जस्ट टोस्ट का नेम लिख देना है, मतलब कि जो भी आप टोस्ट शो करवाना चाहते हैं। तो मैं जस्ट क्या शो करवाना चाहता हूं, मैं यहां पे चेक करवाना चाहता हूं वेलकम टू मिकी प्रोग्रामर। तो मैं यहां पे जस्ट शो करवाऊंगा वेलकम मिकी प्रोग्रामर। तो ये जस्ट मैं मिकी और प्रोग्रामर यहां पे मैं शो करवाता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह शो हुआ। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ, ताकि ये प्रॉपर नज़र आए। और मैंने इसे ये किया। अब आपने क्या करना है, सिंपल कोमा लगाना है। कोमा के बाद आपने यहाँ पे दो चीज याद रखनी है कि आप या तो इसके कुछ ज्यादा ड्यूरेशन के लिए टोस्ट शो करवाना चाहते हैं या बिल्कुल स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शो करवाना चाहते हैं। ये जस्ट सेकेंड का फर्क होता है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं टोस्ट शो करवाना चाहता हूँ, उसका जो जो ड्यूरेशन है वो कुछ ज्यादा हो। तो ये आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लेंथ लॉन्ग रख सकते हैं या लेंथ शॉर्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग रखता हूँ। तो आप इस तरह रख सकते हैं। ये तो आपने जस्ट क्या किया कि ये आपने एक टोस्ट क्रिएट, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमने एक लाइन में ही टोस्ट क्रिएट किया था, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर ग्रेविटी सेट करवा सकते हैं। और इसका मार्जिन सेट करवा सकते हैं कि कहाँ पर ये टोस्ट बेसिकली शो होना चाहिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टोस्ट शो करवाता हूँ, मार्जिन के हिसाब से। अदरवाइज आप मैं ग्रेविटी भी आपको सेट करवा के बता सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले मार्जिन सेट करवाऊंगा। उसमें फर्क देखेंगे, देन हम क्या करेंगे कि इस ग्रेविटी भी देखेंगे। तो मैं मार्जिन क्या करते हैं कि आपने नंबर्स में देना है। लेट्स सपोज मैं 50 और 50 देता हूँ।
तो ये हमारे पास क्या है कि ये मार्जिन आपके पास हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल मार्जिन आपको इस तरह शो होगा। ओके, अब इसके बाद जस्ट आपने क्या कर देना है कि टोस्ट आपने डॉट शो करवा देना है। ओके, तो सिंपल ये आपको शो का फंक्शन देख रहे होंगे और मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ। ये जस्ट मैंने किस पे अप्लाई किया, बटन वन पे। ओके, मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ और यहां से मैं इसे दोबारा से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तो ये आपने भी वेट करना है, क्योंकि अगर आपकी मशीन अगर रैम अगर कम है तो आपका टाइम लगा सकता है। ओके, ले सकता है। तो मैं अगर जस्ट यहां पे अगर प्रेस वन पे करता हूं, ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि वेलकम निकी प्रोग्रामर, ये टोस्ट शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह अब मैंने क्या करना है, जस्ट सिंपल टोस्ट शो करवाना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर ओके आता हूं, सिंपल मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। ओके, जो ब्रैकेट क्लोज हुई है सेमी कॉलम, तो मैं यहाँ पे आप बी एन टू लिखता हूँ। ओके, बी एन टू, और मैं दोबारा से सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं न्यू लगाता हूँ और आगे कैपिटल वी लगाऊंगा और व्यू ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा। अब मैंने जस्ट क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा मैंने टोस्ट, ओके, यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा टोस्ट। ओके, और ओके, तो यहाँ पे मैं टोस्ट लिखता हूँ। ओके, तो ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको थर्ड वन नजर आ रहा है, तो ये आपको दे सकते हैं कि किस तरह ये आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दे रहा है। ओके, तो मैन एक्टिविटी डॉट दिस, और जस्ट इसमें आपने चेंजिंग क्या करनी है कि टेक्स्ट आपने लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि शॉर्ट टोस्ट। ओके, तो ये तो मैं अपने पास से लिख रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर यूजर को कुछ स्मॉल टाइम के लिए मैसेज शो करवाना चाहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या मैसेज शो करवाना चाहते हैं। जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ओके, और मैं इसको रन करता हूँ। ओके, रन करके हम देखते हैं अभी ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो ये आपको डाउन ये नीचे नजर, अब ये लॉन्च हो गया है। ओके, तो मैं अब क्या करता हूँ, जस्ट प्रेस टू पे क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टोस्ट। अगर यहाँ पे प्रेस वन करते हैं तो ये कुछ ज्यादा टाइम के लिए टोस्ट शो हो रहा है। इसी तरह मैं बटन थ्री पे अप्लाई करूंगा ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी मतलब कि आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ कि जस्ट आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि बेसिकली किस तरह हम शो करवाते हैं। ओके गाइस, तो जस्ट मैंने यहाँ पे इंटर किया। ओके, और ओके, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से बी एन लिखा और थ्री लिखा और डॉट दोबारा से सेट ऑन क्लिक लिसनर लिया और यहाँ पे मैंने न्यू लिखा। ओके, और यहाँ पे न्यू लिखने के साथ फिर मैंने कैपिटल वी लिखा तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पर उसी तरह क्या करूँगा कि खुद एक टोस्ट क्रिएट करूँगा। ओके, तो इसके लिए मुझे ये जस्ट इसका एक डेटा टाइप लेनी होगी, टोस्ट। ओके, देन मुझे क्या लिखना होगा, सिंपल टोस्ट लिखना होगा। ओके, टोस्ट के बाद दोबारा से जो मैंने ऊपर किया था काम, वो मैंने दोबारा से यहाँ पर करना है। ओके, तो ये कंट्रोल सी किया, जस्ट मैं इसकी ग्रेविटी चेंज करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल यहाँ पे वी करता हूँ। ओके, तो जस्ट इसकी ग्रेविटी कैसे चेंज करते हैं आपने वो देखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना टोस्ट दरमियान में बिल्कुल मिड में शो करवाना चाहते हैं सेंटर में, तो आपने जस्ट क्या लिखना है, इसी तरह टोस्ट लिखना है। ओके, और यहाँ पे आपने सेट ग्रेविटी एक होता है। ओके, तो एक हमारे पास फंक्शन होगा, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ग्रेविटी। ओके, और यहाँ पे आपने ग्रेविटी लिखना है और डॉट लिख देना है सेंटर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सेंटर नजर आ रहा होगा। ओके, अब ये लिखने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि आपने यहाँ पे कोमा लगाना है और जीरो एंड कोमा दोबारा से जीरो। ओके, तो ये एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट पे क्या करेगा, जीरो जीरो बिल्कुल मतलब के लेगा। ओके, मार्जिन लेगा इस तरह का। ओके, तो मतलब बिल्कुल सिंपल और बेसिक है। ओके, तो जस्ट आपने फिर क्या कर देना है, टोस्ट डॉट और आपने यहाँ से शो करवा देना है। ओके, तो ये देख सकते हैं कितना सिंपल है। जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ओके, और यहाँ से दोबारा से मैं रन करता हूँ। ओके, तो अभी आप ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ओके, टोस्ट बेसिकली क्या होता है। ओके, तो ये अभी अभी लॉन्च हो गया है, एक्टिविटी कुछ टाइम लेता है। ओके, तो मैं जस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, जी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये दरमियान में शो हो रहा है। अगर आप बटन वन पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे शो हो रहा है, अगर आप बटन टू पे क्लिक करते हैं, ओके, तो ये हमारे पास कहाँ पे हो रहा है। सो गाइस, आई होप कि आपने टोस्ट के बारे में सीखा, बेसिकली टोस्ट होता क्या है और हम किस तरह टोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टोस्ट बेसिकली शो हो, जैसे कि अगर मैं प्रेस टू करूं तो यहां पे एक पिक्चर शो हो, जैसे कि ये टोस्ट शो हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उस तरह की वीडियो क्रिएट करूं। अब ये आप पे डिपेंड है कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि बेसिकली एक पिक्चर का टोस्ट कैसे होता है, मतलब कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो मुझे कुछ टाइम के लिए पिक्चर शो हो, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर, बाय बाय।